जाए कि सभी घर वाले फौरन एक साथ बाहर गार्डन एरिया में आ जाए। एक जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर से आ रहा है न्यूज और बिग बॉस में होने वाला है मिडनाइट एविक्शन। और ये जो एविक्शन है, ये एविक्शन होने वाला है मिडवीक एविक्शन। जी हाँ, बिग बॉस का जो इस बार वीकेंड का वार हुआ था, उस वीकेंड का वार में किसी को आउट नहीं किया गया था, लेकिन ये जो मिडवीक और मिडनाइट एविक्शन होने वाला है, ये हर साल फिनाले से पहले होता ही है और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। और इस बार मिडवीक और मिडनाइट एविक्शन में कौन होने वाला है आउट, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, बिग बॉस का ये 13वां सीजन चल रहा है और पिछले 8 सीजन से लगातार फिनाले वीक में एक मिडनाइट एविक्शन किया जाता है। और वो मिडनाइट एविक्शन इसलिए रखा जाता है क्योंकि बिग बॉस का जो एंड डे होता है, उस दिन मैक्सिमम 4 बंदे ही रखे जाते हैं बिग बॉस के घर में। पहले तो 3 रखा जाता था। अगर पूरा वीक ही 3 बंदों से चला जाता तो बहुत प्रॉब्लम सी बात होती, क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं रहता आखिरी हफ्ते के लिए। तो इसीलिए बिग बॉस का आखिरी हफ्ते में एक मिड वीक और मिडनाइट एविक्शन किया जाता है, जो रात में घर वालों को नींद से जगाकर एक एविक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइप भी क्रिएट होता है और साथ साथ में ये टीआरपी भी ला सकता है। और बिग बॉस के घर में कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट को भी रखा जा सकता है जो कि संख्या बढ़ाने में काम आता है, यानी सही क्वांटिटी में वहां पर कॉन्टेस्टेंट रहता है। अभी बिग बॉस का जो कॉन्टेस्टेंट है, टोटल 7 कॉन्टेस्टेंट है, लेकिन 7 में से 2 कॉन्टेस्टेंट को निकाला जा सकता है। और बहुत पुख्ता अगर माने तो माहिरा शर्मा की इस बार सबसे पहले नंबर लगने वाला है। जी हाँ, माहिरा शर्मा होगी इस मिडवीक एविक्शन की शिकार और इसके बाद जाएगी आरती सिंह। आरती सिंह मिडवीक एविक्शन में शायद नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद और एक शायद टास्क या फिर कुछ होगा जहां पर आरती सिंह घर से बेघर होगी। तो आखिरी बचे होंगे 5 और उनमें होगा फिनाले। फिनाले डे तक भी शायद एक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि फिनाले डे तक सिर्फ 4 ही कॉन्टेस्टेंट जाते हैं। तो इस बार देखा जाएगा कि कौन फिनाले वीक तक जाएगा। तो आप एक तरह से पकड़ लीजिए कि माहिरा शर्मा होने वाली है एविक्ट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है फिनाले में टॉप 4 कौन कौन होगा या फिर कौन कौन होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।